भाई आज कैंपिंग का प्लान है, जा रहे हैं मसूरी। तो जगह डिसाइड करी है निखिल ने। इस बार निखिल और शाल और शार्लो, ये तीन बंदे ऐड हो रहे हैं अपने साथ। तो अपन निकल रहे हैं मसूरी, क्लाउड एंड करके कोई जगह है, इन्होंने ढूंढी है कोई, देखते हैं उधर जाके। अभी शाम के बज रहे हैं 5, अंधेरा होने वाला है। लेकिन ये है बहुत ही अजीब टाइम पे जा रहे हैं हम, रात को पहुंचेंगे 11-12 बजे। बताइए, बंदा है हमारे साथ यार, उसने लेट कर दिया। ये निखिल पता नहीं, एक बंदा है दूसरा यार, शार्लो एक और है भाई। भाई इबादत का टाइम हो गया था। भाई रात को पहुंचेंगे 11-12 बजे, कुछ पता नहीं है कितनी ठंड होगी क्या है, लेकिन हम तैयारी पूरी से आ रहे हैं एकदम, सब कुछ लेके। मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और यहाँ पे खाई हमने बिरयानी, जफर बिरयानी रेस्टोरेंट। भाई बिरयानी एक नंबर है यहाँ पे, किसी भी टाइम आके खा लो। तो भाई कैसी लगी बिरयानी भाई लोगों? बिरयानी बढ़िया थी, कोरमा गाजर का हलवा सब बढ़िया था। अभी यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे 40 मिनट और 12 बजे का टाइम हो गया कि रात को 12 बजे पहुंचेंगे। पता नहीं, हम निखिल के भरोसे जा रहे हैं हम तो, कि रास्ता खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्या है परमिशन वर्मिशन जो भी है सब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ निखिल को उल्टा करके कैंप लगा देंगे अगर भाई। ओए भेड़िए, सो गया भाई। अगर निखिल की बात सच नहीं निकली तो क्या करेगा? अच्छी बात भाई कि सब मिलेगा, वीडियो का फोन नंबर है ना मेरे पास। चलो यार अब सीधा देहरादून में मिलते हैं और कुछ सामान वगैरह लेना है, क्योंकि रात में बनाने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं है। पानी के अलावा पानी है बस, दूध है, चाय पत्ती भी है वैसे, चीनी भी है, कॉफी भी है। ठीक है, अगर नहीं मिला कुछ सामान तो मैं कॉफी पी के सो जाएंगे यार, सुबह देखते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, हम पहुंच गए कहाँ, हम पहुंच गए देहरादून और इस टाइम हो रहा है रात के 10:30। अच्छी खासी ठंड में कैंपिंग करने वाले हैं, तो जाते ही पहले बॉनफायर का इंतजाम करेंगे। मसूरी चढ़ रहा है ऊपर, यार कोई अजीब ही रास्ता है इस बार, तो फर्स्ट टाइम मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ भाई। मसूरी की जो है ना अलग ही रास्ता है, थोड़ा मेरे को लग रहा है शॉर्टकट है भाई, इसलिए यहाँ से दिखाया निखिल। हाँ भाई, मैं भी गूगल मैप्स के भरोसे ही आता हूँ भाई। ये बंदा साइड नहीं दे रहा यार, पता नहीं क्यों। पानी की तरफ साइड देने के लिए जगह नहीं थी पीछे, और अब दिए इसने, सेट है भाई वो। अरे निखिल भाई कहाँ लिया ये, बढ़िया जगह है यहाँ तो, एक ही गाड़ी की जगह है भाई चलने की सिर्फ। पर मैंने सुना था अभी एंट्री होती है ऊपर जाने के लिए, नहीं ये जो जॉर्ज एवरेस्ट है उसके लिए रास्ता यहीं से है ये भी। हाँ, उसके लिए आप फिर ऐसे मसूरी कितना दूर था फिर उस कट से? होगा 10-15 किलोमीटर बस, दूर है अच्छा खासा। और हमारा एक जो साथी है वो डर रहा है पीछे। शार्लो डर मत यार, हम तीन है तो सही। मैंने सफेद साड़ी में औरत देखी अभी, सफेद साड़ी में औरत कहाँ पे पीछे यार? अरे नहीं यार, अरे हाँ काली साड़ी में देखी होगी, सफेद साड़ी में, सफेद है सफेद। भाई रास्ता देख के लग तो रहा है कि कहीं बढ़िया सी जगह निकालेगा भाई साहब, रास्ता और ज्यादा खतरनाक हो गया भाई। तो और पतला होगा, और पतला होगा, 600 मीटर ही तो बचा है, और कितना मतलब होगा? ये मैप गलत बता रहा है क्या? फिर से गलत आ गया? नहीं नहीं मैप गलत बता रहे, रास्ता ऊपर जाता है। अच्छा और ऊपर जाएगा, समझा समझा। बैठो आ जाओ। तुम तो बहुत चला है भाई, ऑफ राइडिंग करवा दी। ऑफ राइडिंग? ऑफ राइडिंग कैमरा ले लेना चाहिए था यार आपका, कर लिया? अरे यार प्रो व्लॉगर हो आप, ऑन करावा आपने। तो जहाँ पर हम जा रहे थे ना वो रास्ता बंद हो गया भाई, वहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और आगे लिखा भी हुआ था फिर भी हमने उसको अनदेखा कर दिया। पर उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ था आगे रास्ता बंद है। हाँ, वही ना, उन्हें
उन्होंने तो बोर्ड लगाया हुआ था नहीं। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी कैंपिंग लोकेशन देखने कि कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि यार रात के बज रहे हैं 12:30 हो रहे हैं। मेरा रास्ता बहुत खराब है इधर का भाई, रास्ता भटक गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ कैंप लगाना है कहाँ नहीं लगाना। गाड़ी अपनी इधर खड़ी है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन नो ट्रेसपासिंग लिखा हुआ है इधर। वो सामने देहरादून दिख रहा होगा आपको सिटी। रैबिट रैबिट भाई, जंगली जानवर दिख रहा है वही है वही। तो आज रात का डिनर हो जाए फिर भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड भाई। रैबिट मीट बहुत फेमस था भाई फ्रांस में भाई साहब, भाई आज रात का डिनर हो सकता है। हमारे पास आ जा गाड़ी, आ जा तू धर लो भाई, मैं तो लेके जा, धर लो भाई। ना कोई आसान काम है, टूटे घुटनों से टूटे नीचे हो। आज रात का डिनर का इंतजाम हो गया, आ गए यार आए तो यार, हम इसको परेशान कर रहे हैं क्या यार। हां जी हां भाई, भाई वो लाइट भी दिख रही है उसको, तो नहीं दिखा रहा है, अपने परिवार तक ले जा रहा है, इंस्टाग्राम रील बना देते हैं वो भाग गया। तो भाई हम जगह ढूंढ रहे हैं और ये खरगोश हमको जगह दिखा रहा है। हाँ अच्छा सीधा चलो भाई, प्रॉपर्टी डीलर नहीं भाई, 3BHK समझ नहीं आया। दूसरा दिखाओ भाई, कोई दूसरा दिखा दो, चल गया यार बेचारा, छोड़ो यार मजे नहीं लेने चाहिए। तो भाई लोकेशन ढूंढ लिया ऐसे जैसे तैसे वैसे करके, भाई क्या हो गया भाई, प्लांट ही तो है, क्या हो गया ऐसा लगा क्या? आराम से गया, ऐसा लगा आराम से भाई, आराम से भाई। सुनो थोड़ा सा सिलेंडर जला के छोड़ देते हैं। अरे नहीं जला लेते हैं, कोई दिक्कत क्या ही करेंगे, कौन सी नींद आ रही है अभी। अभी बॉनफायर की तैयारी हो रही है, लोकेशन कुछ ऐसी है, यही मून निकला हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई, टेंट लग रहा है क्या? ये अपने रेडी हो रहा है, ये देखो रेडी हो, कहाँ जा रहे हो भाई? यही तो धुला, अरे धुला अभी नहीं लगानी दुनिया में, भाई धुला है सारी दुनिया। सामान वगैरह निकालते हैं, टाइम लैप्स लगा देते हैं, क्योंकि एक एक करके क्या वीडियो बनाएंगे। टाइम लैप्स लगा देता हूँ, क्या कर रहे हो भाई? गड्ढा कर रहे हो भाई। किस में? जमीन में, जमीन में, जमीन तो देहरादून में तो पहाड़ है। गाड़ी से उस तरफ मारती है, पैसे भी रखने भाई। ये जंगलों का नियम होता है कि गड्ढा करके आग लगानी चाहिए, नहीं तो ये जो सूखी घास है ना ये आग पकड़ लेती है। इन दोनों को नहीं पता, किन दोनों को नहीं पता था तुमको? ये बात पता थी भाई, तो हमने बॉनफायर लगाई है, टेंट अपना लग गया, गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है। मैं और शार्लो सो रहे हैं टेंट के अंदर,
वैसे हम दो टेंट लाए थे, मेरा शार्लो और निखिल, और जो शार्लो का छोटा भाई है और शार्लो का कज़न सो रहे हैं उस गाड़ी के अंदर, मतलब एंडेवर के अंदर। तो अपन भी सोते हैं, अब सीधा सुबह मिलते हैं यार, क्योंकि आज का थोड़ा सा ऐसी हो गया, जगह तो मिल नहीं पाई थी ढंग से, तो इसलिए अब सोते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। अब मैं और शार्लो सो रहे हैं टेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और उतनी ठंड नहीं है, मतलब मुझे लगा था कि अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। चलो आज के लिए इतना ही भाई, सुबह मिलते हैं, सी यू इन द मॉर्निंग।